चार पांच सालों से हम कोशिश में थे कि कुछ अच्छा क्रिएटिवली हम लोग चैनल में रख सकें. एक बहुत सुंदर सब्जेक्ट मिला, धरती पुत्र नंदिनी. ये क्योंकि मेरे जीवन में राम जी, सीता जी, रामायण की बहुत महत्व है, तो मुझे कुछ ऐसा कुछ चाहिए था जब कहीं ना कहीं सीता जी के नाम से कुछ जुड़ा हो, राम जी के नाम से जुड़ा हो. तो एक सब्जेक्ट मेरे सामने आया जो कहानी है अयोध्या की, और जो लड़की है जिसे हम कहते हैं पुत्र, क्योंकि किसान की बेटी हो या किसान का बेटा हो, उसे उसका जेंडर हमेशा पुत्र के तौर से ही जाना जाता है. तो धरती पुत्र नंदिनी एक ऐसी लड़की के बारे में है जो किसान की बेटी है और एक महलों के घर में आती है, एक और बहुत पैसे वाला घर है, और कैसे वो चीज़ें चेंज करती हैं. और बैकड्रॉप अयोध्या का है, एंड कहीं ना कहीं कॉन्स्टेंटली, क्योंकि अयोध्या की कहानी है, क्योंकि मैं जुड़ी हूँ, तो हमने हमेशा राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी के बारे में जिक्र किया है. ऑल्सो ये जो परिवार है, बिल्कुल बीचों बीच, घर के बीचों बीच राम, लक्ष्मण, सीता की मूर्ति हमने रखी है, बड़ी सी मूर्ति रखी है. प्लीज़ आप उसका फोटोग्राफ भी लीजिएगा, वरना मैं आपको दे दूँगी. एंड एक ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है मेरा, जो आज जाके 8:30 बजे रियलाइज होने जा रहा है. एंड एक्सट्रीमली हैप्पी, और मैं बस यही कहूँगी आप सबसे कि प्लीज़ नज़ारा पे देखेगा धरती पुत्र नंदिनी. रोज़ 8:30 बजे आने वाला है, सोमवार से शुक्रवार. बहुत अच्छी कास्टिंग हुई है हमारी, बहुत अच्छे कलाकार हमको मिले हैं. एंड मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं राम जी की हमारे पर कृपा है कि एक ऐसा सब्जेक्ट हमको मिल गया जो अयोध्या बेस्ड था, सीता जी से की जिंदगी से जुड़ी हुई क्वालिटीज़ हैं नंदिनी में, जो हीरोइन हैं. एंड ऑल्सो मैं ऑफकोर्स एक दादी प्ले कर रही हूँ. वैसे तो मुझे प्ले करना ही नहीं था, मुझे प्रोडक्शन पे कॉन्सेंट्रेट करना था, लेकिन चैनल और मेरी खुद की टीम की ये इच्छा थी कि मैं कुछ ना कुछ एज एन एक्टर यहाँ पे कुछ करूँ. तो इस वक्त मैं एक रोल कर रही हूँ, और मैं घर लेकर आती हूँ मेरी बहू को, नंदिनी को. सो संक्षेप में ये है हम कहानी. 33 साल की बता रहा हूँ जी, टीवी में हमने हमारे दौर में टेलीविज़न शुरुआत हुई थी, तो जितने भी लोग टेलीविज़न बनाते थे या एक्ट करते थे, वो टेलीविज़न के नहीं थे, वो थे फिल्म्स के. तो जैसे रामानंद सागर जी थे, वो फिल्म के डायरेक्टर थे, फिल्म के राइटर थे. तो वो बिल्कुल ही टेलीविज़न से नहीं था, क्योंकि टेलीविज़न एकदम नया नया आया था. लेकिन आज का जो दौर है, वो एक क्लियर बाइफरफिकेशन हो गया है कि ये टेलीविज़न के एक्टर्स हैं, टेलीविज़न के डायरेक्टर्स हैं, टेलीविज़न एज अ मीडिया है, एंड फिल्म्स एकदम अलग हो चुका है. सो वो बाइफरकेशन नहीं हुआ करता था उस टाइम पे. जितने भी डायरेक्टर्स, जितने भी एक्टर्स थे, सब फिल्म इंडस्ट्री के फिल्म्स करने वाले एक्टर्स थे. तो उनकी स्टाइल, टॉकिंग टेक्निक, डायलॉग डिलीवरी बहुत अलग हुआ करती थी. तो आज भी मुझे लगता है कि जब मैं डायलॉग डिलीवरी करती हूँ, तो काफ़ी अलग है वो फिल्म स्टाइल की डायलॉग डिलीवरी होती है मेरी. तो आप पूछना क्या चाहते हैं कि मैंने क्यों? तो बस बहुत अरसे से मेरे मन में था कि मैं कुछ अलग करूं बिसाइड्स एक्टिंग, क्योंकि इंडस्ट्री में मुझे काम करना था. एंड ऑफ कोर्स मज़ा नहीं आ रहा था, कुछ ठोस नहीं मिल रहा था. और आप समझ सकते हैं कि सीता की भूमिका करने के बाद कि एज एन एक्टर आप आगे क्या कर सकते हैं, तो वो एक वैक्यूम सा लग रहा था. तो मैंने सोचा कि मैं प्रोडक्शन शुरू करूं, क्योंकि एक क्रिएटिविटी साइड जो मेरी है, वो मुझे लगता है कि मैं अभी भी बहुत कुछ कर सकती हूं क्रिएटिवली. तो मुझे बहुत इच्छा थी कि मैं शुरू करूं. एंड लकीली 2-4 साल की मेहनत के बाद, बहुत लंबा रहता है 2-4 साल, लेकिन यस, आज ऐसा लगता है कि बहुत ईजिली निकल गया. लेकिन नहीं, बहुत संघर्ष रहा है, बहुत बहुत कुछ हमने सहा है, बट अल्टीमेटली बहुत अच्छा शो मिला है,
बहुत अच्छी स्क्रिप्ट मिली है एंड अगर आप सबने प्रोमो देखा है तो आपको पता चलेगा कि बहुत अच्छे से बनी है, बहुत अच्छे से बनी है। मैंने ये नहीं सोचा कि मैं इसके बाद फिल्म्स करूँगी, लेकिन अगर मुझे स्क्रिप्ट अच्छी मिली तो शायद मैं फिल्म्स भी करूँगी, लेकिन टेलीविजन मैं कंटिन्यू करती रहूँगी, वो डेफिनेटली। धार्मिक होंगी या फिर कुछ नहीं, इस वक्त मैंने ऐसा नहीं सोचा कि मैं धार्मिक करूँगी, लेकिन मैं ये डेफिनेटली सोच रही हूँ कि मैं कुछ अच्छा करूँ जो लोगों को देखना पसंद आए, समथिंग डिफरेंट बट पीपल शुड लाइक इट। सास बहू, देखिए ये तो नॉर्मल चीज़ें हैं हमारी लाइफ की। आज मेरी भी बेटी हैं और वो भी कहीं शादी करके गई हैं, तो वो भी कहीं बहू बनी हैं, तो ये एक नॉर्मल सिचुएशन है हमारी ज़िंदगी की कि बेटी कहीं ना कहीं बहू बनकर जाती हैं और कहीं ना कहीं किसी की बेटी हमारे घर में बहू बनकर आती हैं। सो ये तो एक आम बात है और दिस इज़ लाइफ, इससे कोई ये मुद्दा नहीं है कि भाई हमेशा बुराई हम लोग ढूंढेंगे कोई भी रिलेशनशिप के अंदर। अच्छाई भी होती है सब रिलेशनशिप्स में, लेकिन ये ज़िंदगी है, सास बहू की लाइफ जो है वो ज़िंदगी है, मेरी भी सास है, सो मैं भी बहू बनी थी, सो दिस इज़ लाइफ। जी मैं इतनी बिजी रही हूँ कि मुझे चांस नहीं मिला है नर्वस होने का, क्योंकि अभी 5 मिनट पहले ही मेरा पैकअप हुआ है और मैं सीधा आपके सामने आकर बैठ गई, तो मुझे बिल्कुल समय नहीं मिला है सोचने के लिए कि भाई आज एक बहुत बड़ा दिन है मेरी लाइफ में और इसके बाद मैं एज अ प्रोड्यूसर आई गेट एस्टैब्लिश्ड, बट यस आई एम वेरी हैप्पी। एक छोटा सा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लिटिल बिट, अपार्ट फ्रॉम प्रोडक्शन एक्टिंग नाउ प्रोडक्शन, एक आपका पॉलिटिकल करियर भी रहा है। जी हाँ बिल्कुल रहा। वो ऑप्शन आप रीओपन करने वाले हैं? वो ऑप्शन के बारे में मैंने ऑप्शन के तौर से भी रखा है, बट यस इन माय लाइफ आई ऑलवेज फील आई लाइक चैलेंजेस, तो अगर मुझे लगा वो एक चैलेंज मेरी लाइफ में आएगा तो मैं ज़रूर एक्सेप्ट करूँगी, बिकॉज आई नो आई विल बी गुड एट, क्योंकि मैं जो भी करती हूँ बहुत दिल से करती हूँ, बहुत मेहनत से करती हूँ, बहुत लगन से करती हूँ, मैं न रात देखती हूँ न दिन देखती हूँ, मैं बहुत लगन से करती हूँ। इसलिए आज हमने जो ये प्रोडक्शन भी शुरू किया है बहुत मेहनत की है एंड अल्टीमेटली यू कैन सी द रिजल्ट्स ऑफ इट। वैसे ये महासंग्राम शुरू हो गया है 7:30 बजे, अगर आप देखना चाहते हैं तो। नमस्ते, सबसे पहले तो मेरा नाम है शगुन सिंह और मैं रोल कर रही हूँ नंदिनी का इस शो में, धरती पुत्र नंदिनी में। ये शो और ये कैरेक्टर मेरे दिल के बहुत करीब है, एक किसान का कैरेक्टर है एंड किसान इंडिया के लिए बहुत गर्व वाली चीज़ है। या मुझे किसान बन के बहुत अच्छा लगा, एग्रीकल्चर को इतने पास से जान के बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली अभी रिसेंटली मेरा एक शो बंद हुआ था एंड वो बंद होते ही मुझे शो के लिए ऑफर आया, तो हम वडोदरा टू मुंबई ट्रैवल कर ही रहे थे कि उसी समय मुझे कॉल आया एंड या फिर ऑडिशन फोन से बना के भेजा, मॉक शूट, लुक टेस्ट एंड हियर आई एम। ये जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, लेकिन इस जिम्मेदारी को निभाते हुए जितना प्यार मिलता है उसके लिए उसके आगे रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना बहुत हल्का हो जाता है, क्योंकि इतने प्यार करने वाले लोग होते हैं, सब इतना सपोर्ट करते हैं, हमारे डायरेक्टर सब, हमारी पूरी टीम, तो उतना वर्डन नहीं लगता। हाँ जी, जब रिपीट टेलीकास्ट हुआ था तब मैंने देखा था एंड मुझे दीपिका मैम बहुत प्यारी लगी उस वक्त से ही, उनके हर डायलॉग और मैं जो राम जी बने थे उसमें वो भी बहुत बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव नेचर के दिखते थे। हाँ मुझे मैंने देखी है, मुझे अच्छा लगा। नहीं, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं उनके साथ काम करूँगी एंड मेरी मम्मा भी, मेरी मम्मा ने बहुत अच्छे से देखा है रामायण, उनको भी बहुत पसंद थी वो, लेकिन हमने कभी सोचा नहीं और आई एम ब्लेस्ड कि वो मुझे इतनी प्यारी को एक्टर, इतनी प्यारी प्रोड्यूसर मिली है। सो या मैम का एक नेचर है कि वो सीन्स पे भी ध्यान देती है, अगर सपोज टू बी मेरा नेकलेस मतलब ये मेरा लॉकेट है ना थोड़ा घूम गया नंदिनी ठीक करो, सो मीन्स उनका दिमाग कॉन्स्टेंटली ना अलग अलग जगह चलते रहता है, तो मुझे वो चीज़ बहुत प्रभावित करती है, बहुत
ऐसा लगता है कि हाँ मुझे भी सीखना चाहिए इतना, एंड उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। विजय भैया देखिए, मैं नर्वस तो नहीं हूँ पर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मुझे पता है मुझे मेरे अपनों से बहुत प्यार मिलने वाला है, मेरे दर्शकों से बहुत प्यार मिलने वाला है, एंड मैंने बहुत सारी उम्मीदें रखी है आप सबसे। तो प्लीज़ नंदिनी को प्यार दीजिएगा, बहुत सारा प्यार दीजिएगा, नंदिनी को आपके आशीर्वाद की ज़रूरत है। हाँ, ये शो आपकी एक्सपेक्टेशंस को ज़रूर छूएगा, आई एम डैम श्योर। मेरा नाम अमन जायसवाल है, मैं बेसिकली बनारस का रहने वाला हूँ, बट 8-9 साल से मैं दिल्ली में हूँ। वहाँ से मैंने थिएटर किया 3-4 साल, और 2-3 शोज करने के बाद दिस माय फर्स्ट लीड, सो आई एम वेरी एक्साइटेड। वर्किंग विद दीपिका मैम इज लाइक नो मेमोरेबल मोमेंट फॉर मी। यस, तो सो बेसिकली जो सीरियल के व्यूअर्स होते हैं वो औरतें होती हैं, दादियाँ होती हैं, तो मोस्टली सीरियल्स लड़की के ऊपर ही बेस्ड होते हैं। तो हाँ, जो धरती पुत्र नंदिनी सीरियल का नाम है, धरती से जुड़ी हुई वो लड़की है, और काफ़ी यू नो बोल्ड, काफ़ी उसके अंदर एंथुसियाज्म है। तो और बाकी जो मेरा कैरेक्टर है, ये काफ़ी सोफिस्टिकेटेड लड़का है, और जिस फैमिली को यू नो इसको ऑल टुगेदर देखना चाहता है, सब साथ में रखना चाहता है, पूरी फैमिली को हंसता खेलता। तो मेरा मैम दीपिका मैम इज़ वेरी वेरी डाउन टू अर्थ एंड हम्बल पर्सन आई हैव एवर मेट, सो उनके साथ शूट करके बहुत मज़ा आता है। वी डू अ लॉट ऑफ फन ऑन सेट, एंड मैम यू नो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू वर्क एज अ प्रोड्यूसर एंड एज अ एक्टर एट द सेम टाइम। हैट्स ऑफ टू हर कि वो बहुत ज़्यादा मतलब बहुत मुश्किल होता है कि आप एक्ट भी करो एंड एज अ प्रोड्यूसर। शी इज़ डूइंग हर फर्स्ट शो एज अ प्रोड्यूसर, राइट? तो wishing her all the best and wishing all the team very good wishes to all the team, and let's see ye show kafi we are hoping ki ye show kafi zyada hit ho, and yeah इस शो के लिए सबसे पहले obviously दीपिका जी ने ही कॉन्टेक्ट किया था कि कोई कॉन्सेप्ट हो तो बताइए, और मेरे दिल में से ऐसी कहानी निकली क्योंकि सीता जी भी धरती पुत्री कही जाती है। और फिर से करें इधर देखना है तो जरा फिर से करें अगेन। मेरे दिल से कहानी निकली है और बहुत ही प्यार से इसे संजोया है, बहुत ही प्यार से लिखा है। ये कैरेक्टर जो है नंदिनी का, वो मेरे दिल के करीब है, क्योंकि मैं बहुत अरसे से एक ऐसी कहानी कहना चाहती थी जो हमारे भारत की धरती से जुड़ी हो, जो हमारे भारत की सच्चाई हो। बहुत ही ऐसे सारे कैरेक्टर्स आते हैं एकदम से प्लास्टिक कैरेक्टर्स, वैसी कहानी नहीं कहना चाहती थी। और जब दीपिका मैम ने, यानी कि हमारे देश की रामायण की सीता मैया ने मुझे कांटेक्ट किया कि उनको कोई कॉन्सेप्ट चाहिए, तब मेरे जहन में आया कि मैं एक ऐसी कहानी दूँ जो वो दिल से बना सके। तो धरती पुत्र नंदिनी, जैसे अब तक तो सब लोग जान चुके हैं कि एक किसान लड़की की कहानी है, एक किसान लड़की की ये जद्दोजहद की कहानी है कि जो एक आकाश नाम का लड़का है जिसके सपने आसमान को छू रहे हैं, जिसको विदेश में जाके बस जाना है, उसी को वो भारत की धरती से जोड़ती है, उसके परिवार को जोड़ती है, क्योंकि परिवार बिखर चुका है। जो दीपिका जी कैरेक्टर प्ले कर रही है सुमित्रा जी का, उनका परिवार बिखर चुका है, और नंदिनी आके उस परिवार को जोड़ती है, आकाश को धरती से जोड़ती है। और बहुत ही मज़ेदार इमोशंस, ड्रामा, कैरेक्टर्स बहुत इंटरेस्टिंग है, और फन भी है, बहुत मज़ा आएगा दर्शकों को, ऐसा मुझे लगता है। चेंज करना
नहीं, मुझे ये बहुत ही गर्व भी है, संतोष भी है कि दीपिका जी ने मेरे कन्विक्शन के साथ वो जुड़ी. उन्होंने ना मुझे कोई फोर्स किया कि आप ऐसे ही लिखिए, वैसे ही लिखिए. सो जो दिल से बही थी कहानी, उन्होंने भी प्यार से बनाई, हमने भी प्यार से लिखी. और जो नज़ारा चैनल है, उन्होंने भी बहुत ही सारा जिसे कहते हैं कि इनपुट्स देकर इस शो को हम सब ने बहुत प्यार से बनाया है. और बहुत ही जैसे कहते हैं ना कि इस शो में आपको मिट्टी की खुशबू आएगी, इस शो के सारे जो चरित्र है, कैरेक्टर्स है, वो आपके दिल में बस जाएंगे क्योंकि हमने इसे दिल से बनाया है. एक्साइटमेंट तो होगा ही क्योंकि करीबन 26 साल से लिख रही हूँ. बहुत सारे शोज आए गए, बहुत सारे सुपरहिट सीरियल्स भी दिए हैं मैंने, और आज ये कहानी जो अब आने वाली है तो एक्साइटमेंट तो बहुत है क्योंकि नंदिनी मुझे बड़ी प्यारी है और इसमें जो सुमित्रा भी बनी वो भी बहुत प्यारी है. बहुत ही जिसे कहते हैं कि गर्वांकित कैरेक्टर है, बहुत ही ऑरा है सुमित्रा भारद्वाज का, और इस देश की हर औरत उनसे रिलेट कर पाएंगी जो आज की औरत है, जो ऐसा नहीं कि सिर्फ हाउसवाइफ या होम मेकर है, वो अपना बिजनेस भी संभालती है, घर भी संभालती है और पूरे परिवार को जोड़ के रखना चाहती है, एंड जो पूरे घर के संस्कारों को जिंदा रखना चाहती है क्योंकि आजकल सब बिखर गया है. तो सुमित्रा जब धरती की बेटी, माटी की बेटी नंदिनी को ले आएगी और अपने घर में भारत का कल्चर, भारत की संस्कृति फिर से स्थापित करेगी, तो जो हमारी सीता मैया थी उनके लिए और दर्शकों के लिए इस कैरेक्टर से बढ़कर शायद और कुछ नहीं होता. मैं सर अभी शर्मा, मैं इस सीरियल में सूरज भारद्वाज का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ और बहुत ही अच्छा कैरेक्टर है. इट्स लाइक कि अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता है और अपनी दादी माँ से भी बहुत प्यार करता है, लेकिन यह है कि वाइफ से इतना प्यार करता है कि उससे ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाता उसके सामने, और अपनी दादी से भी इतना प्यार करता है, दोनों के बीच में फंसा हुआ है. और लेकिन परिवार को भी बचाना चाहता है, वाइफ का दिल में रखना चाहता है, ब्यूटी कॉन्टेस्ट में पार्ट करना चाहती है ना, उसके ड्रीम्स बहुत बड़े हैं, तो अपनी वाइफ के साथ हमेशा उसके साथ रहना, उसका साथ निभाना, और दादी को भी डिसअपॉइंट नहीं करना चाहता, समथिंग लाइक दैट, कि बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है. हाय, माय नेम इज़ नीलू शर्मा और इसमें मेरा कैरेक्टर है लल्लू. सो ये ऐसा कैरेक्टर है, मैं नंदू का लाइक अच्छा दोस्त भी दिखाऊँ, भाई भी टाइप दिखाऊँ, बहुत अच्छा क्यूट सा कैरेक्टर है. जैसे जहाँ जहाँ नंदू रहेगी वहाँ मैं रहूँगा, जैसे कोई कोई चीज़ में उसकी मदद भी किया, जैसे उसको मालूम नहीं कि कॉल कैसे करते हैं, वीडियो कॉल कैसे करते हैं, तो मतलब मैं थोड़ा सा जब पढ़ाई वढ़ाई करती हूँ तो मेरे को मालूम है कि ऐसा है. तो जैसे बीच में जब झगड़ा हुआ था कि जो हमारे खेत में पूरा गंदा पानी गया था भारद्वाज फैक्ट्रीज का, तो मैंने उनको आके बताया था कि पूरा गंदा पानी चला गया, हम खेती कैसे कर पाएंगे. तो बहुत ही अच्छा सा कैरेक्टर है लल्लू का. मेरा नाम अनुज अलूवाल है, मैं मैम का सबसे बड़ा बेटा प्ले करता हूँ. एंड मेरा कैरेक्टर बहुत ही शरीफ टाइप का लड़का है जो दादी की हर बात मानता है. एंड सो या दैट्स अ लिटिल ब्रीफ फॉर अदर थिंग्स, यू विल हैव टू सी द शो टू फिगर मोर आउट, बट या दैट्स अबाउट इट. बहुत मतलब बहुत नहीं नहीं नर्वस क्यों, लाइक मैम ने भी एक बात बोली थी कि अच्छा हार्डवर्क किया है तो नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है, हमको पूरा बिलीव है और आज लॉन्च है, तो मेहनत 3-4 महीने से लगे हुए हैं हम लोग, तो फिनोमिनल एक्सपीरियंस और मज़ा आ रहा है और बहुत एक्साइटेड है. और जर्नी में बहुत हर्डल्स भी थे बीच में, लाइक मेनी थिंग्स वर देयर, फॉर सम रीज़न डिले हो जा रहा था, सो बट अल्टीमेटली नाउ आज फाइनली इट्स आउट, सो लेट्स सी कि लोगों को क्या लगता है. प्लस मैम का भी कमबैक है, हमें तो शूट करने में इतना मज़ा आता है कि मतलब हम तो बहुत दिनों से चाहते थे कब ये शो रिलीज हो या पब्लिक को ऐसा कैसा लगे. नर्वस तो बिल्कुल नहीं कि हमें मालूम है, हमने अपना बेस्ट दिया है तो हमें मालूम है, एक्साइटमेंट तो है सबको. नहीं होते थे तो ये ऐसे लोग एक्साइटेड ज़्यादा करते हैं, उनका तो ज़्यादा ही अच्छा लगता. थैंक यू सो मच. मैं राइटर डायरेक्टर काफ़ी सारी भूमिका कर चुका हूँ और पहली बार मैं क्रिएटिव डायरेक्टर हूँ इस शो में, तो बहुत अच्छा लग रहा है और इसका फुल क्रेडिट दीपिका मैडम को जाता है. और जो बीज 3-4 साल पहले बोया है अब उसका फल आया, 8:30 बजे से नज़ारा टीवी पे हमारा शो आ रहा है, आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ
बहुत खुश हूँ। अभी तक देखिए जितनी भी कहानियाँ अभी चल रही हैं मनोरंजन, तो उसमें चाहिए होता है। ये कहानी हमारे जड़ से जुड़ी हुई, जैसे कि शो का नाम है धरती पर कहानी। तो मुझे लगता है कि मुझे ठीक से याद नहीं है कि किसी हिंदी शो में किसी किसान लड़की और किसान बेटी की कहानी दिखाई है। धरती पुत्र नंदिनी जैसा नाम है, एक किसान लड़की की कहानी है, उसके संघर्षों की कहानी है। और फिर जब वो एक अमीर परिवार में आती है तो उसको किस तरह की समस्या को करना पड़ता है, और वो अपनी जड़ों को छोड़ती नहीं है। मैं उनके साथ गालिब दीनदयाल जयपुर उसमें कर चुका हूँ, तब मैं उनको फिल्मों के लिए मना के लाया था। तो आप कह सकते हैं टीवी के लिए भी मैं मना के ही लेके आया, कि जब ये कहानी आई तो इसमें इतना पावरफुल करेक्टर था, मैडम पहले करना नहीं चाहती थी, लेकिन पांडे जी और हम लोगों ने मिलकर उनको कन्विंस किया कि आपको ये भूमिका करनी चाहिए। बहुत ही दमदार भूमिका है, लंबे समय तक याद होती है। नज़ारा टीवी अभी नया ही आया है, लेकिन इशारा इनका पहले से चैनल आ रहा था, और ये पूरे नॉर्थ का बहुत जल्दी मनपसंद चैनल बन जाने वाला है। और दीपिका जी खालिया जी जो सीता के रूप में घर घर जानी जाती है, 33 इयर्स के बाद चैनल में आ रहे हैं, तो लोगों को इंतज़ार है। सोशल मीडिया पे इसका प्रोमो रिलीज हो गया, और जो हमें रिस्पांस मिला है वो बहुत ही काबिल तारीफ है, और लोग मैसेज कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, वो वेट कर रहे हैं, तो जल्दी ये सीरियल घर घर में जाने लगे। प्रोड्यूसर भी इसकी शुरुआत वैसे हुई, जब हम लोग गालिब के दौरान साथ में काम कर रहे थे, तो मैंने देखा कि मैडम काफ़ी क्रिएटिव इनपुट्स दिया करती थी, इसको ऐसे कर लेते, इसको वैसे कर लेते। फिर बात चली कि अभी रामायण के बाद उनकी एक अलग तरह की भूमिका है, अलग तरह की एक छवि है, तो उनको उस तरह का रोल जो करना चाहती हैं वो हर तरह से ऑफर नहीं आता है, बहुत लिमिटेड उस तरह का रोल उनको ऑफर होता है। और शुरू से उनके मन में मैंने देखा एक जो निर्माता की झलक होती है वो मैंने पाया कि उनके अंदर वहाँ से ऐसा हुआ कि हम कुछ ऐसा कुछ निर्माण करते हैं ताकि आपके मन में जो क्रिएटिविटी है और जो एक अच्छा निर्माता छुपा हुआ अच्छे सो हम समाज को दे सकें, उसकी ही ये उसका फल आप देख रहे हैं। धरती पुत्र नंदिनी एक स्वस्थ और जो धरती से जुड़ी हुई कहानी है, वो मैडम का ही एक विजन था जो लेकर के आ रहा है। जी हम रुकने वाले नहीं हैं, मैडम के अंदर इतनी एनर्जी है कि वो हमेशा जो है आगे के बारे में, ये चल रहे प्रोजेक्ट के बारे में बात करते रहती हैं कि हमको आगे ये करना है। तो हम जल्द ही आप और कुछ नई घोषणाएँ सुनेंगे। मैंने अपने पूरे करियर में कभी भी एक एंटागनिस्ट का कैरेक्टर नहीं किया है, मेरे लिए फर्स्ट टाइम ये मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है एक नया किरदार निभाने की, और मैं इस चीज़ को बहुत इन्जॉय कर रही हूँ, क्योंकि ये एक बहुत चैलेंजिंग रोल है जो असल ज़िंदगी में मैं नहीं हूँ और पर्दे पर मैं हूँ, बट इट्स अ नाइस रोल, मुझे बहुत इन्जॉय कर रही हूँ मैं इसको, और बहुत अलग अलग तरह से खेलने को मिल रहा है। और ये इमरती देवी जो है ये दिल की बुरी नहीं है, लेकिन इसके अंदर एक वो चीज़ है कि मुझे कुछ भी नहीं मिला, ये बेचारी अंदर से टूटी हुई है, इमोशनल है, लेकिन ये इमोशनल अपनी ऐसे नहीं दिखाती, हर वक्त ये लगते हैं कि मतलब अगर मुझे नहीं मिला तो किसी और को भी नहीं मिलना चाहिए, और मेरा हक मुझे क्यों नहीं मिला, मैं घर की बड़ी हूँ तो मेरे हिसाब से घर चलना चाहिए, बाकी जो मेरी छोटी दरानी है वो कल की आई, अगर वो पढ़ी लिखी है उसे मिल गया, तो मेरे अनपढ़ होने की वजह से मुझे कुछ नहीं मिला, क्यों नहीं मिला, सिक्का तो मेरा ही चलेगा। ये इसने पकड़कर ये किरदार को निभाया है, और हर बार वो यही कहती है कि हम घर के बड़े हैं। तो ऐसा है, आई होप सबको मेरा ये किरदार पसंद आए, मैं उम्मीद रखती हूँ, उस पर बहुत मेहनत कर रही हूँ, और इस शो के साथ बहुत लंबी उम्र की ऊपर वाले से कामना रखती हूँ।